हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। कुछ नए तरीके से बनेगा। ये हमारा सूजी और कटे हुए आलू, और ये हमारा पालक है जो कि मैंने उबाल रखा है। ये हमारा नमक है। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको हम चलते हैं पीस देते हैं। अब इसमें मैंने इसको पीस लिया है, ये देखो। अब हम इसको बिना दही का ही बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी यूज कर रही हूँ। अब इसको ऐसे सब मिक्स करके आधा घंटा के लिए मैं रख दूंगी। अब हमारा ढोकला आधा घंटा से सेट हो गया। राई के तेल से ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम चलते हैं इनो डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें मैंने तेल लगा लिया, ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। अब 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जब हो जाए। अब चलते हैं अपना चेक करते हैं हमारा ढोकला हो गया है कि नहीं। हम ऐसे चेक करेंगे, ये देखिए हमारा ढोकला हो गया है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें पालक भी मिक्स है और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पालक मिक्स भी है, और खाने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स जरूर में ज़रूर लिखिएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। अब इसको हम काट लिए हैं। अब चलते इसको मैं भून लेती हूँ। ऐसे एक एक पीस निकाल लिया जाएगा और इसको भून देते हैं। हमने डाल दिया तेल, राई, गैस कर दी लो, कड़ी पत्ता डाल दिया, मिर्चा डाल दिया। ढोकले को अच्छे से भून लेंगे ये गाइस। अब हमारा ढोकला भून गया है। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं।